हेलो बच्चों, मैं कैप्टन संजय सिंह मर्चेंट नेवी नवीरे कोचिंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैनोपी, क्राउन, अंडर स्टोरी, तो इस चीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, समझने में आसानी होगा। जिस तरह से शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हैंड होता है, नोज होता है, माउथ होता है, ईयर होता है, उसी तरह से जंगल के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। तो ये चीज को समझते हैं। अब जंगल में क्या होता है, ट्री होता है, पेड़ होता है, तो पेड़ का जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, उसको क्राउन बोलते हैं। क्राउन का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, मुकुट। आज के डेट में उसको कैप बोल सकते हैं। तो पुराने जमाने में राजा लोग मुकुट पहनते थे, देवी देवता जो है उनके सर पे मुकुट रहता था, तो स्वाभाविक है कि क्राउन जो है सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा। तो ट्री का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको क्राउन बोलते हैं। अब मुकुट भी अलग अलग तरह के, अलग अलग डिजाइन के होते हैं, कैप अलग अलग डिजाइन का होता है, तो क्राउन भी एक ही तरह का नहीं होता है, तो क्राउन भी अलग अलग डिजाइन का होता है। तो जैसे कि क्रिसमस ट्री का क्राउन जो है ट्रायंगुलर होता है, त्रिभुज आकार में होता है, तो किसी का गोल टाइप का होता है, किसी का फ्लैट टाइप का होता है, तो क्राउन भी अलग 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 तरह के होते हैं। तो जंगल का एक पार्ट का नाम क्या हो गया, पेड़ का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको क्राउन बोलते हैं। तो एक चीज हम लोगों ने सीखा, क्राउन, ठीक है। अब दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, कैनोपी। कैनोपी कैनोपी का हिंदी में मतलब क्या होता है, छत, रूफ। रूफ को बोलते हैं कैनोपी। तो जंगल में कैनोपी किसको बोलते हैं, तो जंगल में जो सबसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जो सबसे लंबे लंबे पेड़ होते हैं, तो लंबा पेड़ है तो उसका टहनी जो है, उसका ब्रांचेस जो है, उसका शाखा जो है वो भी लंबा होगा। तो उस लंबा वाला पेड़ के नीचे जो मीडियम साइज और छोटा साइज का पेड़ होता है वो आ जाता है। तो वो देखने में क्या लगता है कि छोटा और मीडियम साइज का पेड़ है, उसके ऊपर में कोई छत है ना। तो ये जो लंबा लंबा पेड़ का जो ब्रांचेस जो लंबा लंबा है, उसके नीचे में जो छोटे और मीडियम साइज के पेड़ है, वो लगता है कि किसी छत के नीचे है। तो ये चीज जो इस तरह से दिखता है, इसको बोलते हैं कैनोपी। तो दूसरा चीज क्या समझे, कैनोपी, है। तीसरा चीज देखते हैं अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी क्या होता है, तो अंडर स्टोरी क्या होता है, अंडर स्टोरी जैसे बिल्डिंग में हम लोग बात करते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, डबल स्टोरी बिल्डिंग है, ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है, ये मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से बात करते हैं। तो जंगल में भी ये क्या हो जाएगा, जंगल में भी इस तरह का किसी एक नाम है, अंडर स्टोरी। तो डिफरेंट डिफरेंट साइज, डिफरेंट डिफरेंट हाइट का पेड़ होता है, ट्री होता है, उसका क्राउन अभी हम लोगों को देखा बुंडी। तो क्राउन से अगर मेजर करेंगे तो उसका डिफरेंट डिफरेंट हाइट आएगा। तो कुछ लंबे लंबे पेड़ हो जाएंगे, गाछ हो जाएंगे, वृक्ष हो जाएंगे, ट्री हो जाएंगे, कुछ मीडियम साइज के होंगे, कुछ छोटे साइज के होंगे। तो ये जो लंबे 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 जो गाछ हुआ, तो उनका एक कुछ तो एक हॉरिजॉन्टल जो है लाइन बनेगा। तो मिडिल लेवल का जो ट्री और ट्री या पेड़ है उसका एक लाइन बनेगा। तो छोटा जो हाइट का ट्री है उसका एक लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, दूर से देखने पे लगता है कि बड़े बड़े पेड़ का हाइट एक तरह का है, मिडिल वाला का एक तरह का है, छोटे वाला का एक तरह का है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेयर जो बनता है, जो दूर से दिखता है, इसी को बोलते हैं अंडर स्टोरी। तो डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स फॉर्म बाय द हाइट ऑफ द ट्री, या सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स फॉर्म बाय द क्राउन ऑफ द ट्री। क्राउन तो मुंडे हुआ ना, तो क्राउन का हाइट से जो मेजर करेंगे वही होगा। तो ये जो चीज जो दिखता है, इसी को बोलते हैं अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी को तीन भाग में बांटा जा सकता है, सबसे टॉप लेवल अंडर स्टोरी, टॉप लेवल स्टोरी, मिडिल लेवल अंडर स्टोरी एंड लोअर लेवल अंडर स्टोरी। तो ये टॉप लेवल अंडर स्टोरी क्या हो गया, जिसमें बड़े बड़े पेड़ का जो बुंडी का जो हाइट लेंगे, जो क्राउन का जो हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, उसको टॉप लेवल बोल देंगे। और मिडिल लेवल में जो श्रब्स और जो टॉलेस्ट ग्रास आता है, जो मीडियम रेंज के ट्री हो गए, उनके क्राउन के जो हाइट आएगा वो हॉरिजॉन्टल लेयर जो बनेगा उसको बोल देंगे मिडिल स्टोरी, मिडिल अंडर स्टोरी बोल देंगे। उसी तरह से लोअर अंडर स्टोरी, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं उनके हाइट बनेंगे। तो जंगल में भी दोस्तों नाम होता है ना। तो जैसे कि क्राउन, मुंडी, कैनोपी, छत, अंडर स्टोरी, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट हाइट का ट्री का डिफरेंट डिफरेंट जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है उसको अंडर स्टोरी कहते हैं। तो देखिए जंगल में भी नाम होता है। अंडर
अंडर स्टोरी को समझने में कंफ्यूजन ना हो तो थोड़ा सा और बोल देते हैं, जैसे किसी बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर होता है तो दिखता है तो कि फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, उसी तरह से अंडर स्टोरी में भी दिखेगा तो कि ये टॉप लेवल का हॉरिजॉन्टल लाइट है, बड़ा बड़ा पेड़ का ये टॉप लेयर दिख रहा है, मिडिल पेड़ का टॉप, मिडिल पेड़ का मिडिल हाइट का ट्री का जो है मिडिल लेयर दिख रहा है, छोटा हाइट का पेड़ का लोअर लेवल दिख रहा है। तो इस तरह से जंगल में भी तो हो सकता है कि फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, बट ये कोई बिल्डिंग तो है नहीं कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड बोलेंगे, थर्ड फ्लोर बोलेंगे। तो इसको स्टोरीज बोलते हैं, अंडर स्टोरी। तो ये जो हमको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर टाइप का जंगल में जो दिख रहा है, और ये किसके कारण दिख रहा है, पेड़ के कारण, ट्री के कारण, तो इसी चीज को बोलते हैं स्टोरीज। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्राउन समझ गए होंगे, मुंडी कैनोपी समझ गए होंगे, रूफ और अंडर स्टोरी मतलब जो फर्स्ट, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर टाइप का जो चीज दिखता है जंगल में, इसको अंडर स्टोरी बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप क्राउन, कैनोपी और अंडर स्टोरी अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे जंगल में कि क्या सभी जंगल में एक ही तरह के जानवर होते हैं, क्या एक ही तरह के पेड़ होते हैं, या जंगल में और क्या क्या होता है, जंगल अंदर से कैसा दिखता है, क्या दिखता है। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, क्योंकि बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया।